बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉन्ड्स के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली समर्स के लिए आ गए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसमें फेस जो है वो काफ़ी सारे लोगों को ऑयल का इशू हो जाता है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरी स्किन पे भी ऑयल का इशू होना शुरू हो जाता है। अच्छा, समर का जो सीज़न है वो ऑयली स्किन वालों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, और क्योंकि फेस जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑयली होना शुरू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से आप लोगों के साथ बेसिक दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि कुछ रीज़नेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किया करें। तो ये रीज़नेबल प्रोडक्ट्स हैं और आप ये दोनों चीज़ें लेके अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने ऑयल को कंट्रोल करने के लिए और आपकी स्किन पे एक्ने का और जो भी समर्स में ज़्यादातर आप लोगों के फेस के साथ इशूज़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हैं। तो वीडियो जो है वो आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अच्छा, इस किट में जो है वो दो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। एक इनका ये एक्ने कंट्रोल फेस वॉश है, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मेरे पास है वो इनकी जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। अच्छा, ये वाली जो क्रीम है ये नॉन ग्रीसी क्रीम है, नॉन ऑयली क्रीम है, यानी कि ये स्पेशली बनी हुई ऑयली स्किन वालों के लिए। और ये वाला फेस वॉश जो है ये भी एक्ने कंट्रोल फेस वॉश है, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, और ये बना ही एक्ने को टारगेट करने के लिए, ऑयली स्किन के लिए है। और इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस है वो इस तरह की आती है जैसे कि नीम की फ्रेग्रेंस होती है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ इसको। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक सी कंसिस्टेंसी है, और अंदर से ये इस तरह का है, वाइट कलर में ये फेस वॉश है। क्रीमी टाइप का इसका टेक्सचर है, लेकिन जब आप इसको अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है और आपके पोर्स वगैरह को। इसके इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड भी है, और सैलिसिलिक एसिड पोर्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए, खासतौर पर ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन भी मौजूद है जो कि इमोलियंट है और फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि आप इसको दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अपनी नाइट केयर रूटीन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देगा, एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करता बिल्कुल भी स्किन को। और ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये वाला फेस वॉश इनका काफ़ी पसंद आया, और मैं इसको समझ में कंटिन्यू रखूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है, तकरीबन ये मुझे 290 रुपीज़ में मिला है। इसके अलावा अगर आपके टीन एजर्स बच्चे हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टीन एज में आप लोगों को पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है फेस के ऊपर, और इसके अलावा एक्ने का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी ये वाला फेस वॉश जो है ये बेस्ट है। इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है फेस को। ये सबके लिए है, ये इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं और जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको इस्तेमाल ना करें। और अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है, और ड्राई स्किन होने के बावजूद उनके फेस पे एक्ने का इशू हो जाता है, तो उसके लिए जल्द मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक फेस वॉश, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी नॉर्मल स्किन है और इसके अलावा जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन है, तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अच्छा, पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके प्रोडक्ट्स। मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ, इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ, और इनके कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, और वो भी आप लोग मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सेकंड चीज़ मेरे पास मौजूद है वो पॉन्ड्स की क्रीम है, पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। अच्छा, ये जो क्रीम है ये पॉन्ड्स कंपनी ने स्पेशली बनाई ही ऑयली स्किन वालों के लिए है, नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी इसका टेक्सचर है, और बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। फेस पे लगाने के बाद बिल्कुल मैट फिनिश आ जाती है, बिल्कुल भी आपकी स्किन पे हैवी फील नहीं होता, लेकिन काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती है आपकी स्किन को। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही सूटेबल है, जिनकी खास तौर पे ऑयली स्किन है वो इसे इस्तेमाल करें और लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके
इसको जो है वो मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टीन एजर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही स्किन फ्रेंडली है। इसकी थिक सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और अप्लाई करने में इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल मैट फिनिशिंग है। लगाने के बाद फील नहीं होता कि आपने कोई चीज़ फेस के ऊपर लगाई हुई है, तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी है और एक्ने कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी। और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बेहतर यही होता है कि वो या तो जेल टाइप के मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें या इस तरह के मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जो नॉन ऑयली हो, नॉन ग्रीसी हो, लेकिन अपनी स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करें। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जिनको ऑयल का इशू होता है और ख़ास तौर पे गर्मियों में फेस पे ऑयल आ जाता है, वो लोग ये कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इस तरह करने से स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है और इसके अलावा फिर रिंकल्स का जो है वो इशू होना शुरू हो जाता है फेस पे वक्त से पहले। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग ज़रूर अपनी स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड किया करें और अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइज़र आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र जो है इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, तकरीबन 350 रुपीज़ इसकी प्राइस है और क्वांटिटी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो आपके आराम से 1 से 2 महीने ये चल जाएगी। तो बस ये था पॉन्ड्स के इन कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि आप लोगों ने कौन से प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं ड्यूरिंग समर्स और बजट फ्रेंडली भी हैं, आराम से हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।